आचार्य बृहस्पति देव त्रिगुणा जी एक सिद्धांत चिकित्सक थे, यह तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उनका जो बहु आयामी व्यक्तित्व था वह एक विशेष रूप से जानने की चीज है। आयुर्वेद का कोई भी पक्ष, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जिस पर उनकी नजर न हो और जिन पर उनकी पकड़ नहीं। चिकित्सक के रूप में प्रसिद्धि एक बहुत बड़ी बात है। कल भी श्रद्धांजलि सभा में बड़े बड़े राजनेता लोग आए थे और उन्होंने उनकी चिकित्सा संबंधी स्थिति के बारे में बताया, लेकिन मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि उनका दृष्टिकोण यह था कि आयुर्वेद का अनुसंधान कैसे बनते हैं, आयुर्वेद में अच्छे चिकित्सक कैसे बने, आयुर्वेद की शिक्षा उच्चतम स्तर पर कैसे हो, आयुर्वेद का विश्व में कैसे प्रचार हो, और उसके साथ साथ आयुर्वेद के सिद्धांतों को आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सक, आधुनिक चिकित्सा के चिकित्सक लोग भी जान सके, इस दिशा में प्रयत्न आवश्यक है। तो इस तरह आयुर्वेद के सर्वतोमुखी विकास के लिए वो निरंतर प्रयत्नशील है। और सबसे बड़ी बात थी कि इतना बड़ा व्यक्तित्व और इतना उदार, कहीं भी किसी ढंग का संकोच नहीं, आप कभी भी मिल सकते थे उनसे। और कौन सा व्यक्ति क्या है और कौन सा व्यक्ति क्या कर सकता है आयुर्वेद के क्षेत्र में, इस पर उनकी निरंतर नजर रहती थी। मुझे अच्छी तरह ध्यान में है जब मैं भारत सरकार से सेवानिवृत्त हुआ या हो रहा था, तो मैं उनकी प्रेरणा से ही आयुर्वेद महासम्मेलन से और आयुर्वेद के संगठन से जुड़ा, और उन्होंने मुझे विशेष रूप से बुला के ये कहा कि मिश्रा जी आपने भारत सरकार में रहकर आयुर्वेद की बड़ी सेवा की और अब आपकी आवश्यकता आयुर्वेद महासम्मेलन को देखने की है, आयुर्वेद संगठन को देखने की है। और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने उनको बताया कि यह जो आप निवेदन करते हैं या निवेदन नहीं, हमारे लिए तो ये आज्ञा, और उसी आज्ञा के हिसाब से मैं चलूंगा, और उन्हीं की प्रेरणा से मैं आयुर्वेद महासम्मेलन में जुड़ा। मैं जो अन्य क्षेत्रों की बात बता रहा था कि आयुर्वेद का अनुसंधान कैसा होना चाहिए, जो आयुर्वेद पूर्व और इसके संबंध में भी वो निरंतर चाहे उस तत्काल में कोई भी मंत्री हो उनके वहाँ जाके बता दूं। और आप सब लोगों को पता है कि हमारी सेंटर काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद है, तो उसकी शासी निकाय के भी वो सदस्य रहे और उसका वैज्ञानिक सलाहकार समिति था उसकी वे अध्यक्ष रहे, और उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया उस मार्गदर्शन के आधार पर यदि हमारा रिसर्च वर्क चलता रहता तो शायद रिसर्च की उपलब्धि कुछ और दूसरे तरह की होती। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं आयुर्वेद के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार सारे विश्व में होना चाहिए, और इसके लिए भी उन्होंने लोगों को प्रेरित किया, और उस प्रेरणा में सबसे आगे डॉक्टर दीपक चोपड़ा उनकी किताबें बहुत लोगों ने पढ़ी है, और डॉक्टर दीपक चोपड़ा के माध्यम से यह संभव हो सका कि प्रकृति क्या है। और कोई भी विदेश में यदि कोई आयुर्वेद वाला जाता है तो उससे पूछते हैं कि हमारी प्रकृति क्या है वो बताइए, त्रिदोष सिद्धांत क्या है और त्रिदोष का क्या परिसर हमारे है। तो ये सब डॉक्टर दीपक चोपड़ा की किताब से आज के वैज्ञानिक और चिकित्सक ने जाना, और डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने भी ये सारा काम हमारे वैद्य के प्रयत्न से किया, और डॉक्टर दीपक चोपड़ा स्वयं ही वैद्य को अपना गुरु मानते थे और मानते रहे। तो इस तरह विश्व में आयुर्वेद कैसे फैले इस संबंध में भी वो बड़े प्रगतिशील रहे। और जैसा कि मैंने कल भी श्रद्धांजलि सभा में बताया, यह भारती महेश योगी को वही प्रेरणा देने वाले थे जिनके प्रयत्न से सारे विश्व में, चाहे वह अमेरिका है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे जर्मनी है, चाहे ब्रिटेन है, चाहे फ्रांस है, चाहे स्विट्जरलैंड है, सैकड़ों आयुर्वेद केंद्र और पंचीकृत केंद्र उन्होंने स्थापित कराया, और जितने भी योग्य चिकित्सक हो सकते थे हिंदुस्तान से सैकड़ों की संख्या में उन केंद्रों में उन्हें भेजा। और
है कि और भी 100, 200, 500 चिकित्सक मिले जिनको भेजा जा सके और आयुर्वेद का नाम और जस सारे विश्व में फैले। तो ऐसे महान व्यक्तित्व का चला जाना मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ऐसे एक युग का अंत हो गया और इस युग के बाद फिर एक नए युग का प्रारंभ होना है। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि वह उनके भगवान धनुष का अंश था, वह सब चीजों को बड़ी गहराई से कैसे जानते थे, कैसे समझते थे, तो बड़े आश्चर्य की बात हो सकती है। तो यदि भगवान धनुष्धरी हो और भगवान धनुष्धरी का कोई अंश हो सकता है तो वो हमारे आदरणीय त्रिगुणा जी में था और इसीलिए उनको धनुष्धरी अवार्ड भी मिला था। धनुष्धरी फाउंडेशन एक महत्वपूर्ण संस्था है और धनुष्धरी फाउंडेशन ने उन्हें धनुष्धरी अवार्ड भी दिया था। और महर्षि भय योगी कहते थे कि इस युग के धनुष्धरी आचार्य बृहस्पति त्रिगुणा जी। तो ऐसे उन्होंने बहुत काम किया किसी व्यक्ति के लिए, यह अपने जीवन काल में इससे ज्यादा काम करना संभव नहीं हो सकता, वो सब काम वो कर रहे हैं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि वो अपने काम को आगे कैसे बढ़ाया जाए इस संबंध में भी दिशा निर्देश दिए हैं और दे रहे हैं। हमारे देवेंद्र त्रिगुणा जी के बारे में उन्होंने बताया, मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हमारे आचार्य बृहस्पति देव त्रिगुणा जी के अधिकतम गुरु का उन्होंने ग्रहण किया है और हमारा इस दिशा में वो करते रहेंगे। और खास बात यह है कि जो हमारे प्रशासन यहाँ बैठे हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान यहाँ बने जब आयुर्वेद की चिकित्सा से विमुख होने लगे और आयुर्वेद के चिकित्सकों की कमी हुई तो उनके मन में प्रेरणा आई कि कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसके माध्यम से आयुर्वेद चिकित्सक बन सके और आयुर्वेद निष्ठ हो और आयुर्वेद के माध्यम से चिकित्सा कर सके। और मुझे अच्छी तरह ख्याल है तो मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में काम करता था और मुझे लेके क्या हो सकता है और मंत्री से सबके साथ मंत्री सचिव सब लोगों से मिले और बिल्कुल उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था चाहिए। ठीक है आयुर्वेद के कॉलेज वगैरह जो चल रहे हैं वो तो स्नातक और स्नातकोत्तर चलता रहे, लेकिन हमें एक ऐसी संस्था चाहिए जिसके माध्यम से हम योग्य आयुर्वेद चिकित्सक करा सके। और उनकी ही प्रेरणा से और उनके निरंतर प्रयास से यह संभव हो सका कि हमारा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान बना और जिसके माध्यम से सैकड़ों और हजारों की संख्या में योग्य आयुर्वेद चिकित्सक निकले हैं और अपने अपने क्षेत्रों में आयुर्वेद की चिकित्सा कर रहे हैं। तो उस महान व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी सब कुछ कहना बड़ा मुश्किल है कम समय में। और उनका वो जहां भी हो उनका आशीर्वाद हम लोग को उपलब्ध रहे और उनके बताए रास्ते पर हम लोग चल के आयुर्वेद को आगे बढ़ाए और आयुर्वेद को सारा न केवल अपने देश में बल्कि सारी दुनिया में परिवर्तन प्रबंधन करते हैं, यही प्रार्थना है। और इस अवसर पर मैं